हेलो गाइस, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं टेक्सकूप यूट्यूब चैनल, और इस चैनल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक लेना होता है अपनी वीडियो के लिए तो वो आप कहां से लें। बेस्ट वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा, आप वहां से म्यूजिक लेंगे तो कभी भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर एक यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हैं, तो जब आप एक YouTube चैनल बना लेंगे तो उसके लिए आप एक अपनी वीडियो को एडिट करेंगे, वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद उसको एडिट करेंगे। तो एडिट करते टाइम आपको उसमें एक बैकग्राउंड म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात आती है तो बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हम बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से लें। तो उसमें सबसे पहले दो केस होते हैं। उस कंडीशन में वो बंदा क्या करता है, पहले या तो यूट्यूब पर सर्च करेगा नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक जो होते हैं, या तो उनमें से कोई म्यूज़िक लेगा, या फिर गूगल पे सर्च करेगा नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक को अपने वीडियो में लगाने के लिए। तो सबसे वो पहले क्या करेगा, यूट्यूब पे जाएगा, वहाँ पे सर्च करेगा नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक। उसके बाद जो काफ़ी सारे चैनल्स वहाँ पे उसको मिल जाएंगे, तो वहाँ से काफ़ी सारे चैनल जब मिल जाते हैं तो उसमें से कोई भी एक चैनल पर जाके और वहाँ से कोई भी एक सॉन्ग डाउनलोड कर लेता है, कोई भी म्यूज़िक सॉन्ग जो भी है। और उसके बाद जब अपनी वीडियो में एडिट करने के बाद उसको जब वीडियो पर अपलोड करता है तो उसमें कई बार ऐसा होता है हमें कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि इतने सारे चैनल कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक देने के लिए बन गए हैं कि यही नहीं पता लगता कि कौन सा चैनल जेन्युइन है और कौन सा चैनल फेक है। तो कई बार ये होता है कि हमें वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ दे भी देते हैं वो कि अगर आपको हमारा ये म्यूज़िक यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में हमारा ये जो एक उनका प्रमोशन डिस्क्रिप्शन होता है वो अपनी वीडियो के नीचे आप डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन में। वो दे तो देते हैं, हम डाल देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उस पर वीडियो अपलोड करते जाते हैं यूट्यूब पे, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें हमारे पास कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम नहीं आता। हम चलते जाते हैं। जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो करता है, जब वो आगे इतनी स्टेज पे पहुंच जाते हैं हम कि हम उस वीडियो से अर्निंग करने लगते हैं, तो बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटेजी होती है कि अपने जो चैनल पे वो सारे फ्री म्यूज़िक दिए रखते हैं, अब वो उस चीज़ को ना नोटिफाई करते रहते हैं, बैठ के उसको नोटिस करते रहते हैं कौन कौन सा चैनल ग्रो कर रहा है। तो तभी वो क्या करते हैं कि जो चैनल अच्छे से इनकम कर रहा है, जो वीडियो इनकम अच्छे से कर रही है, उस वीडियो को नोटिस करके उस पर हमेशा कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम दे देते हैं, या ज़्यादातर उसमें कॉपीराइट क्लेम देते हैं वो लोग। क्योंकि पहले तो वो हमारा म्यूज़िक यूज़ करा देते हैं फ्री बोल बोल के, चाहे तो डिस्क्रिप्शन ऐड कराने के लिए बोलते हैं या फिर आप ऐसे ही उसको ऐड कर देते हैं कि हम कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देंगे, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो। लेकिन बाद में क्या होता है, वो कॉपीराइट क्लेम दे देते हैं। उसमें क्या होता है, जब आपकी वीडियो की अर्निंग हो रही होती है तो उसमें से कुछ हिस्सा उस म्यूज़िक वाले बंदे के पास चला जाता है और कुछ हिस्सा आपके पास आता है, तो उसमें हमारा नुकसान हो जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए ना मैं आपको एक बहुत अच्छी तरीके बता यहाँ पे वीडियो में बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपको अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए म्यूज़िक लेना है। अगर आप वहाँ से अपने लिए म्यूज़िक लेंगे, वहाँ पे बहुत तरह के म्यूज़िक मिल जाएंगे। जब भी वहाँ से कोई म्यूज़िक लेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में आपको उसका कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला है। बेफिक्र हो के आप वहाँ से म्यूज़िक ले सकते हैं। आप कभी भी किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से या यूट्यूब पर सर्च करके किसी भी चैनल से कॉपीराइट फ्री जो म्यूज़िक होते हैं वहाँ पे यूज़ ना करें। मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको कभी भी कोई कॉपीराइट क्लेम का सामना नहीं करना पड़ेगा म्यूज़िक की तरफ से, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं स्क्रीन पर। तो गाइस, मैं अपना यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से आपको बताऊँगा कि कहाँ से आपको म्यूज़िक लेना है। सबसे बेस्ट तरीका है म्यूज़िक लेने का यहाँ पर, इसके अलावा कोई भी हम ऐसी अदर थर्ड पार्टी ऐप पे विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हम कहीं से म्यूज़िक ले लें, उसको डालते हैं, हमारा चैनल अच्छे से चलता रहेगा, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम कभी ना आए इसलिए हम सबसे बेस्ट तरीका है कि हम यहाँ से हमेशा म्यूज़िक लें। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पर यूट्यूब पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद या तो यहाँ पर आपका लॉगिन कर रखा होगा आपने, जो भी आपका चैनल है उस चैनल की ईमेल आईडी से यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। जब लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन के बाद आप सीधा यहाँ से जाएंगे, आप यहाँ पर योर चैनल पर क्लिक करेंगे। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा YouTube स्टूडियो। YouTube स्टूडियो में आप जाएंगे, स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऑडियो लाइब्रेरी, ठीक है। अब जब ऑडियो लाइब्रेरी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रैक देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये सारे ट्रैक आपको यहाँ मिलेंगे बहुत सारे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन भी कुछ दिए गए हैं, यहाँ से हम अपने उस यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं ड्रॉप डाउन में एम्बिएंट चिल्ड्रन सिनेमैटिक, जिस टाइप को आपको म्यूज़िक चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपके मूड के हिसाब से यहाँ मिल जाएंगे, काफ़ी सारे मूड्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल, पियानो, स्ट्रिंग, ये सब, बेस, ड्रम, इन सब के म्यूज़िक चाहिए वो भी मिल जाएंगे। कितने टाइम तक का म्यूज़िक चाहिए, कितना लंबा चाहिए, वो सब यहाँ पे हम ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे एक ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया होता है एट्रीब्यूट नॉट रिक्वायर्ड और एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड,
इन दोनों में फर्क ये होता है कि जब हम एट्रीब्यूट नॉट रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें सारे ऐसे म्यूजिक दिखाएगा कि जिसको ये बोलेगा कि आप इस म्यूजिक को एज इट इज अपना वीडियो में यूज कर लो और कोई भी इनका प्रमोशनल डिस्क्रिप्शन अपने वीडियो में ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर आप एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड पे क्लिक करके म्यूजिक डाउनलोड करते हो तो आपको वहाँ पे इनका दिया हुआ डिस्क्रिप्शन अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालना होगा, तब आप यूज कर सकते हैं। और ये सारे म्यूजिक होगा और कुछ साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पे दिए हुए होते हैं, जैसे कि किसी किसी वीडियो में छोटे छोटे साउंड होते हैं, है ना, जैसे कि इस तरह के ये हैं टूल्स हो गया, ये टूल्स वेपन, जैसे कि मैं एक दो को क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप ये सुन पा रहे हैं साउंड, इस तरह का आपको साउंड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सारे इस तरह से आपको साउंड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और सिंपली सा कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत इजी है, आराम से यहाँ से सीधा डाउनलोड का बटन दबाना है, उसके बाद यहाँ पे जहाँ भी आपको डाउनलोड करना है यहाँ से जाके सेव कर देना है, वो म्यूज़िक आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम है वीडियो में, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।